बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। और आज के हमने इस सेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करना चाह रहा था और आपको बात करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी जो है वो पोस्ट अनाउंस हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो सवाल आ रहे थे आप लोगों की तरफ से। सीनियर ऑडिटर, इस सेशन में हमें सीनियर ऑडिटर के बारे में बात करनी है, और सीनियर ऑडिटर के मुताबिक जितने भी आपके सवाल हैं उनके मैक्सिमम के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और स्पेशली उन लोगों के जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और उनके टेस्ट क्वालिफाई हो चुके हैं, या फिर जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हमें इस पर अप्लाई करना है तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो सबको ए टू जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि सारी के सारे सवालों के जवाब मिल जाए, ताकि आप लोगों को जो है वो वरी ना होना पड़े डिसीजन मेकिंग के मुताबिक। तो ये BPS 16 की जॉब है, जो पहले इससे 2019 की जिनका अभी प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह का चल रहा है वो भी BPS 16 की है, वो मिलिट्री अकाउंट्स की थी। लेकिन ये जो जॉब्स हैं जो अभी अनाउंस की गई हैं ये परमानेंट हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP ऑफिस की हैं, यानी कि जो सिविल डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनके अगेंस्ट आई है। तो जिन्होंने पहले दो अप्लाई कर चुके हैं सीनियर ऑडिटर के ऊपर, और MAG के लिए अप्लाई किया। अब हो सकता है किसी को मिलिट्री का जो है वो इन्वायरमेंट थोड़ा सा रिजिड होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, तो वहाँ पे आपको ना पसंद हो काम करना तो, और अगर आप सिविल डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जब दोनों में आपकी सिलेक्शन हो जाए तो ये आपके पास जो है वो राइट है, आप किस को चूज करते हैं और दूसरे को नहीं जानते, ज्वाइन नहीं करते। लेकिन एक को अगर आप पहले आप MAG ऑफिस वाली जॉब को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो दूसरे में आप स्विच कर सकते हैं, NOC शर्त होगी उसकी। लेकिन मैं कहूँगा कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, जबकि 1007 सीटें थी, उनको अब फिर इस पोस्ट पर अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जॉब्स निस्बतन 125 के लगभग हैं, तो इनका प्रोसेस तेज़ी से होगा। और मुझे जो लगता है कि जो MAG ऑफिस की जो जॉब्स आई थी उनके प्रोसेस से ये पहले ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इनकी निस्बतन प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा टाइम इनको शॉर्ट नहीं होता। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी कि MBA वगैरह जिन्होंने किया हुआ है, इसके अलावा फाइनेंस की डिग्री आपकी होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए अकाउंटिंग कॉमर्स इकोनॉमिक्स, सेकंड ऑप्शनल जो है आपका स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, यानी कि बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बैचलर में आपने ये एक अलग सब्जेक्ट इनमें से पढ़ा होना लाजमी है। तो सेकेंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री विथ ICM में 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी कि किसी ने अगर सिंपल जो है बैचलर किया हुआ था और उसके बाद ICM में किया है और उसका 1 ईयर कंप्लीट है, यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 उनका क्लियर है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिन्होंने CA फाउंडेशन कंप्लीट किया हुआ या ACCA नॉलेज लेवल क्वालिफाइड कर चुके हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने ICM में या ACCA या CA के हैं उनको पता होगा कि फाउंडेशन क्या है, नॉलेज लेवल क्वालिफाइड क्या है, और ICM में 1 ईयर क्या है उनको पता होगा। और हम बात करें एज लिमिट के हिसाब से, तो ये भी क्लैरिफाई आपको करूं कि 20 साल से जो कम है, जिसकी एज 20 साल से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकता। 20 साल से ऊपर होने चाहिए, 28 साल अपर लिमिट है, लेकिन उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन, 5 साल की रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं, यानी कि टोटल मिला के 33 सिविल एस्पिरेंट्स जो है जिन्होंने मतलब कि सर्विस वगैरह नहीं कर रहे उनके लिए 33 इस तरह अपर एज लिमिट हो जाती है, और जिन्होंने सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो उनको और भी एज मिल जाता है, जितनी उनकी सर्विस होती है वो उसमें आप ऐड कर लें, यानी कि 5 साल अगर किसी की जो सर्विस हो चुकी है तो 33 + 5 ईयर 38 तक उनके जो है वो चला जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे हमने बात करनी, 125 टोटल सीटें, डोमिसाइल और कोटा
किस लिहाज से होगा, मेरिट पे 9 है, यानी कि ओपन मेरिट, जो जितने भी एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे और जो उनको एक मेरिट लिस्ट बनेगी, तो जो टॉप पे आएंगे सबसे टॉप पे, तो 9 उनके लिए है। इसके अलावा पंजाब की 63 सीटें हैं ओपन मेरिट में, उनमें 53, यानी कि जो जिसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें फाल कर सकते हैं, लेकिन जो वुमेन कोटा जो है वो 6 है। वुमेन कोटे में 6 जो है वो लाजमी तौर पर फीमेल ही होंगी जो ओपन ऊपर टॉप पे आएंगी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जब हो जाएगी, तो पंजाब को जो कोटा पे टॉप पे आएंगे उनको हटा के जो नेक्स्ट आएंगे, तो उनमें से जो 6 फीमेल होंगी उनको जो है वो ऑफर किया जाएगा लेटर। एंड मिनोरिटीज नॉन मुस्लिम के लिए 4 है, सिंध रूरल की बात की जाए तो उनकी 14 है, ओपन मेरिट में 14 में से 13 है, और वुमेन के लिए 1 है। सिंध अर्बन की बात की जाए तो उनकी 10 सीटें हैं और ओपन मेरिट पे 8 है, उनमें से वुमेन के लिए 1 है और मिनोरिटीज के लिए भी 1 है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उनकी 15 है और उनमें 15 में से ओपन मेरिट पे 13 है, 13 में और वुमेन के लिए 1 है और मिनोरिटीज के लिए भी 1 है। इसके बाद बलूचिस्तान की बात करें तो 7 है उनकी टोटल सीटें और उनमें से ओपन मेरिट 6 हैं, वुमेन के लिए 1 होता है। एक्स फाटा जो पहले एरिया था उनको 5 सीटें दी गई हैं, उनमें से ओपन मेरिट 3 होंगी और वुमेन के लिए 1 होगा। जीपी की बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की और उसकी 1 है, एजेके की 2 है और बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, सारे एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई करने के, मेल और फीमेल। तो लास्ट डेट क्लोजिंग डेट जो है आपने जो अप्लाई करना है पीएससी की वेबसाइट पे ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं भेजने होते, आपका जो प्रिंट होता है वो आपने अपने पास रख लेना होता है, फीस जमा करवाई होती है तो उसकी वो आपने डिटेल देनी होती है, हार्ड कापी बिल्कुल भी नहीं भेजनी होती है। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो 2 हिस्सों में सिलेबस आपका मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट जो है वो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में वोकैबुलरी ग्रामर यूजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह होता है, और पार्ट 2 जो है इसमें प्रोफेशनल पार्ट होता है 80 मार्क्स का, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स है, स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस है, जनरल लेजर एंड कैश बुक है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट है, एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट है, सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, पेट्रा रूल्स 2004, और बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी, ये होगा। और जो लकी हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हमारे ये तकरीबन बहुत कम भी करें तो 400 प्लस के करीब लेक्चर्स हैं जिनको हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्लीट किया था कोर्स को, लेकिन अब आपके लिए ये एड जाएगा, जो ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे के सारे सिलेबस की एक्सेस मिल जाएगी। तो इस मीन कि आप जो पहले जिन्होंने अप्लाई किया था उनके पास ग्रेजुअली तैयारी उन्होंने की थी, लेकिन आपके पास सारी चीज़ें हैं, अगर कोई एफिशिएंट है तो 2 महीने में अच्छे से अच्छी तैयारी करते हैं, उसके बाद रिविजन करता रहे। और इसके अलावा हम सारे लेक्चर्स वेबसाइट के जरिए से आपको प्रोवाइड करेंगे, क्विजेज होंगे ऑनलाइन, आपके टेस्ट होंगे, जब आप सिलेबस एक दफ़ा लेक्चर्स कम्प्लीट कर लेते हैं तो फिर उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करें तो फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप हमने बना दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी शेयर कर देंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होगी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ से आप ले सकते हैं। फेसबुक में आपकी डिस्कशन होगी जबकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स, अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं उनकी आईडी उनको अलाट होती है, पासवर्ड अलाट होता है, वो अपने सेशन को किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम में ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं। तो यानी कि जॉब करने वाले फीमेल जो घर घरेलू खवातीन हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती, वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं howardacademy.com, और व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल जवाब हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन जनरल सवाल होना चाहिए क्योंकि हंड्रेड ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट्स होते हैं, जब एक एक भी क्वेश्चन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें क्वेश्चन, कोशिश करें कि 2-3 जितने क्वेश्चन हैं आप एक ही मैसेज में उनको भेज दिया करें, बजाय इसके कि आप चैट करें तो पॉसिबल नहीं होता चैट करना। तो इतना ही था आज के लिए, तो दो में याद रखिए और चैनल हमारा जो है इसको लाइक भी करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, हो सकता है कि आपकी शेयर करने की वजह से किसी का फायदा हो। अल्लाह हाफिज़।